Hey guys, it's Devyansh. Welcome back to another episode. Another football fan, यार अभी भी इतना अजीब लग रहा है ना. It's so weird to imagine Barcelona without Lionel Messi, and it's so weird to imagine Lionel Messi as well without Barcelona. Like as a football fan, यार I think as a Ronaldo fan too, मैं imagine कर पा रहा हूँ Real Madrid से जब Ronaldo 2018 में switch किया था, तो उस time का एक तरीके से जो nostalgic है ना, वो एक तरीके से मैं remember कर पा रहा हूँ. But let's get back to our topic. और इस video में यार हम लोग बात करने वाले हैं कि क्योंकि जब हमें पता चल चुका है कि पब्लिक में ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि लियोनेल मेसी और बार्सिलोना एक दूसरे के साथ कंटिन्यू नहीं करने वाले, तो आई थिंक अब जो सबसे बड़ा सवाल हर फुटबॉल फैंस के दिमाग में चल रहा है वो ये है कि कौन सा वो क्लब होने वाला है जहां पे लियोनेल मेसी स्विच करने वाले हैं. और इस वीडियो में मैं आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पिक्चर रखने वाला हूं, सारी मीडिया स्पेकुलेशन रखूंगा, सारे ओपिनियंस पे और सारे फैक्ट्स पे बात करेंगे. एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में लियोनेल मेसी के फ्यूचर के रिगार्डिंग एक बहुत ही क्लियर पिक्चर होगी. तो शुरू करते हैं. Lewandowski goes for the goal! And then Ronaldo! Oh! It's Messi! अब यार अगर जो कल हुआ है अगर ये इस समर ट्रांसफर विंडो के स्टार्टिंग में ही हो जाता तो आई थिंक ये बहुत ही एक तरीके से इट विल बी अ लॉट इजियर जो इस समय बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनी हुई है. क्योंकि यार देखो तब भी तीन ही क्लब थे, तीन ही पॉसिबिलिटीज थी, यानी कि अगर पर्टिकुलरली बात करें एक है PSG, एक है मैनचेस्टर सिटी और तीसरा है मेजर लीग सॉकर यानी MLS की बात करेंगे. और अभी भी हम सिर्फ तीन ही पॉसिबिलिटीज की बात करने वाले हैं, मैनचेस्टर सिटी, PSG और MLS. लेकिन अब यार सिचुएशन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और एक तरीके से कहते हैं कि और भी ज़्यादा बुरी हो चुकी है फॉर बोथ लियोनेल मेसी एंड बोथ ऑफ और इन तीनों ही क्लब के लिए पर्टिकुलरली. अगर सबसे पहले बात करें PSG की तो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ये हैं और इस समय मीडिया स्पेकुलेशंस ये निकल के आ रही हैं कि मेसी पिछले काफ़ी घंटों से PSG के साथ डायरेक्टली नेगोशिएट कर रहे हैं. और यहाँ तक भी ये भी स्पेकुलेशन निकल के आई है कि मेसी ने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया है PSG के मैनेजर मॉरिशियो पोचेटिनो को. और एक तरीके से जो PSG कैंप से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि PSG इस समय काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहा है. एक तरीके से वो क्रिएटिव आइडिया ढूंढ रहा है कि वो कैसे मेसी को फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं इस टाइम पे. लेकिन यार हम बात करने वाले प्रोस की और कॉन्स की, और जिससे मैं आपको पर्टिकुलरली पूरा एक बहुत ही क्लियर आइडिया देने वाला हूँ कि क्यों PSG के चांसेस हैं कि वो साइन करे और साथ ही साथ क्यों PSG के चांसेस है कि वो नहीं साइन कर सकते. तो अगर यार सबसे पहले बात करें प्रोस की, तो सबसे बड़ा प्रोस इस समय जो एक तरीके से आप कह सकते हो PSG के फेवर में वो ये है कि PSG के पास नेमार जूनियर है. और आपको पता है नेमार और लियोनेल मेसी दोनों बार्सिलोना में पहले खेल चुके हैं और एक तरीके से नेमार मेसी को कन्विंस कर सकते हैं कि वो PSG को ज्वाइन करे इन स्पाइट रादर ज्वाइनिंग मैनचेस्टर सिटी. बट अगेन अगर कॉन्स की बात करें तो सबसे बड़ा कॉन्स है यार PSG की ट्रांसफर स्ट्रैटेजी. अब अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये पहले की बात होती, समर ट्रांसफर विंडो की स्टार्टिंग की बात होती, तो आई थिंक PSG पहले से ही अपना मन बना लेती और अपनी स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से बिल्डअप करती. बट रिसेंटली मैंने आपको एक डेढ़ हफ्ते पहले ही बताया था कि PSG ने मेसी को अप्रोच किया था, बट मेसी का हमेशा से एक ही स्टैंड था कि वो बार्सिलोना को ज्वाइन करेंगे. बट ऑल ओवर सडन चीज़ें इतनी ज़्यादा अपसाइड डाउन और इतनी जल्दी चीज़ें बदल गईं, ये आई थिंक हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था. और उसी एक तरीके से कहते हैं उसी नाव में एक तरीके से PSG भी थी, PSG ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था. और इसी के चलते हमने देखा कि यार PSG ने काफ़ी बड़ी बड़ी साइनिंग्स करी हैं, चाहे हम डोनारूमा की बात करें, चाहे हम सर्जियो रैमोस की बात करें. इसी के साथ अगर हम बात करें अशरफ हकीमी की और जीनी वाइनाल्डम की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी अच्छी खासी ट्रांसफर मार्केट इस समय स्पेंड करी है. साथ ही साथ वो एक तरीके से अब उनका जो टेंशन था वो था कि वो किलियन एम्बापे को एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेंगे. तो क्या आपको लगता है कि एक टीम में किलियन एम्बापे, लियोनेल मेसी और नेमार जूनियर तीनों साइड बाई साइड एक टीम में रह सकते हैं? आई डोंट थिंक, क्योंकि फाइनेंशियल फेयर प्ले के हिसाब से अभी इस समय PSG 200 मिलियन यूरोस के डेफिसिट में चल रही है. और ऐसे में जब जो ट्रांसफ़र विंडो है उसको बंद होने में सिर्फ और सिर्फ 20 दिन है, ऐसे में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है PSG को कि वो कैसे अपने एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को ऑफलोड करने वाली है. साथ ही साथ जो सबसे बड़ा कौन से तरीके से आप कहोगे मेसी के लिए नहीं है बल्कि PSG के लिए है, वो ये है कि आपको बताइए यार जो फ्रेंच टैक्सेशन लॉ है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. और अगर इसको मैं सिंपली आपके सामने रखूँ तो एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, अगर लियोनेल मेसी को 30 मिलियन यूरोस की सैलरी मिल रही है, जो कि ऑब्वियसली वो यही डिमांड करने वाले हैं या फिर इससे भी ज़्यादा होगी, तो उस 30 मिलियन यूरोस की सैलरी देने के लिए PSG को उनको 70 मिलियन यूरो सैलरी देनी पड़ेगी. इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और रूड है फ्रांस का टैक्सेशन लॉ. और जैसे मैंने आपको बताया यार एक तरीके से ये मेसी के लिए कौन से नहीं है बल्कि PSG के लिए कौन से, क्योंकि मेसी को तो वही 30-35 मिलियन यूरोस की सैलरी मिलने वाली है बट कहीं ना कहीं PSG को 50 डबल सैलरी ऑफर करनी पड़ेगी जिससे जो नेट सैलरी है वो मेसी के पास उनकी जो वो चाहते हैं वो मिल जाए. तो एक तरीके से अगेन वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई और एक तरीके से जो इकोनॉमिक फ्रंट है उस पर PSG को बहुत बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और स्मार्ट होना पड़ेगा. अब अगर बात करें दूसरे क्लब की जो कि ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी,
सबसे बड़ा प्रोस की अगर बात करें तो वो खुद पेप गार्जियोला है। आपको पता है मेसी और पेप गार्जियोला एक साथ काम कर चुके हैं जब 2009 में पेप गार्जियोला बार्सिलोना में थे, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा प्रोस है। और एक तरीके से हमें पता है कि पेप गार्जियोला शुरुआत से ही एक तरीके से आपको जो मैनचेस्टर सिटी का बोर्ड रूम है और जो मैनेजमेंट है हरार की, उसको कन्विंस करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। जब लास्ट ईयर मेसी ने बताया था कि वो बार्सिलोना को छोड़ना चाहते हैं, और अभी भी अगर मैं लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करूं तो सबसे पहले तो यार ये रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि मैनचेस्टर सिटी मेसी को अपने प्लान्स में अब नहीं देखते, पहले जो भी सिचुएशन रही हो। लेकिन अब अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो मेसी मैनचेस्टर सिटी के प्लान्स में नहीं है, और एक तरीके से मैनचेस्टर सिटी उनको ना तो फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकती और इसीलिए वो उनको प्लान्स में इंक्लूड नहीं करती। जो दूसरा सबसे बड़ा कौन से समय कह सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी के फेवर में नहीं बोलता, वो ये है कि अभी उन्होंने 100 मिलियन यूरोज जैक ग्रिलिश पे स्पेंड किए हैं, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि साइड बाय साइड वो हैरी केन की डील को भी एक तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 50-60 मिलियन यूरोज़ की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम 225 मिलियन यूरोज़ या फिर 250 मिलियन यूरोज़ की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इन तीनों पॉसिबिलिटी में से किसी एक पॉसिबिलिटी को पिक वन आउट नहीं कर सकता, और इसके पीछे सिंपल रीज़न है कि ऐसे में क्योंकि अभी जो स्टोरी है वो और भी ज़्यादा डेवलप्ड होगी, और ये सब इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, इनिशियल स्पेकुलेशन है, जहाँ पे हमें ये पता है कि मैनचेस्टर सिटी अपनी ट्रांसफ़र स्ट्रेटजी को एकदम पलट सकती है। और एक तरीके से कह सकते हो कि जो 250 मिलियन का जो बजट था उनका, जहाँ पे हैरी केन और जैक ग्रिलिश थे, उसमें अभी 150 मिलियन बचे हुए हैं, तो वो एक तरीके से उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं मेसी में। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि लियोनेल मेसी और पीएसजी के जो हायरार्की है वो पिछले काफ़ी घंटों से एक तरीके से आप कह सकते हो नेगोशिएट कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियल हो, चाहे वो फॉर्मल हो, चाहे वो इनफॉर्मल हो, बट ये माना जा रहा है कि लियोनेल मेसी इस समय पीएसजी के कॉन्टैक्ट में है। तो चीज़ें अभी एक तरीके से कह सकते हो कि अब बहुत ज़्यादा इनिशियल टॉक्स हैं, स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे जैसे यार स्टोरी में डेवलपमेंट होगा इस चैनल पर आपको ये सारी स्टोरी, सारी अपडेट्स और मेसी के रिगार्डिंग मिल जाएंगी। तो यार आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कॉन्टेंट इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।